हाँ तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक हमारा है इफ स्टेटमेंट। हमने लास्ट में देखा था, ठीक है, इफ। अब उसमें एक थोड़ी सी और एडवांसमेंट हम देखेंगे कि क्या हम और कर सकते हैं इफ में, ठीक है। हमारे पास यही एक एग्जांपल है, हमारे इंटीजर एक नंबर है, ठीक है। हम ये नंबर जो है यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, यूजर से ले रहे हैं ये नंबर। अब हम देखेंगे क्या ये नंबर जो है हम देंगे, जो नंबर हम दे रहे हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे क्या ये नंबर जो है हम दे जो दे रहे हैं ये इवन है कि ऑड। नंबर हम इंटीजर नंबर एक देंगे ये इवन है कि ऑड। हमें पता है इवन नंबर तब होता है जब ये मल्टीपल बाय टू करे हम किसी नंबर को और उसके जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए, तब हमारा नंबर जो होता है वो इवन होता है। और अगर ये इवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये ऑड है, ठीक है। ठीक है, हम पॉजिटिव नंबर्स पे भी काम करेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक नंबर एक ले लिया नम, ठीक है। इसको हमने यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, यूजर एक्सेप्ट एक करेगा, यूजर हमें एक नंबर देगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट यूज करके क्या ये नंबर इवन है कि ऑड। तो हम यूज करेंगे मॉडुलस डिवीजन बाय टू, इफ नम और टू, नम और टू यानी अगर नम को हम इस नंबर को हम टू से डिवाइड बाय परसेंट, इट मींस मॉडुलस डिवीजन, इट गिव्स अस रिमाइंडर। तो अगर टू से इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर हमें जीरो आया, कंपेयर हमने किया, इसको कंपेयर किया, कंपेयर कंपैरिजन ऑपरेटर है ये, डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको कंपेयर किया हमने जीरो से। तो अगर हमने नम को डिवाइड किया टू से और हमें रिमाइंडर आया जीरो, इसका मतलब हम प्रिंट एफ करेंगे और हम बोलेंगे ये जो ये नंबर है परसेंट भी जो है हम प्रिंट हमने किया इज इवन, परसेंट डी के जगह पे हम चाहते हैं इस नंबर का वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हाँ ये हमें देगा, सपोज हम कोई नंबर प्रिंट इंटर करेंगे, सपोज 77, तो अगर 77 इवन है तो ये हमें बोलेगा 77 इज इवन। अब अगर ये इवन नहीं है इसका मतलब ये ऑड है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं यहाँ पे एक और स्टेट में हमारे पास जो है एल्स, ठीक है। एल्स पार्ट, एल्स पार्ट वो डिफाइन करता है कि अगर इफ पार्ट, अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये जो सारा जो लॉजिक है अगर ये ट्रू हुआ तो हमें यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब अगर ये फॉल्स हुआ तो ये सीधे जंप करके यहाँ पर हमें आ जाएगा, ठीक है, अगर हमें ये क्या है फॉल्स। तो हम इस पे देखेंगे ऑप्शंस कि अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स के टाइम पे हमें क्या करना है, ठीक है। सपोज हम फॉल्स के टाइम पे इसको बोलेंगे यहाँ पे एक और प्रिंट करेंगे फिलहाल, प्रिंट है जो ये नंबर है वो ऑड है, या तो नंबर इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो हम इसको यहीं से बोल रहे हैं अगर इसने टू से डिवाइड करके रिमाइंडर हमें जीरो आ गया, ठीक है, यानी अगर ये ट्रू आ गया तो नंबर प्रिंट करो इवन, अगर ये फॉल्स आ गया, ठीक है, तो फिर हमें क्या दो ऑड प्रिंट करो, नंबर इज ऑड। और हम फिर एक और प्रिंट अप लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर सपोज बैक स्लैश एन करके आफ्टर इफ एल्स, ठीक है, तो फिर इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर ले रहे हैं इंटीजर नंबर, ठीक है, उसको यूजर से हम एक मैसेज दे रहे हैं कि आप एक नंबर एंटर करो, यूजर एक इंटीजर नंबर एक ऐड एंटर करता है, हम उसको डिवाइड करते हैं टू से और उसका रिमाइंडर देखते हैं बाय यूजिंग मॉडुलस डिवीजन, नम डिवाइडेड बाय मॉडुलस डिवीजन बाय टू, ठीक है। अगर उसका रिमाइंडर जीरो है इसका मतलब वो इवन है, हम प्रिंट करते हैं इवन, ठीक है। फिर उसके बाद सीधे हम आ जाइए एल्स पार्ट पर, प्रिंट नहीं होगा बल्कि हम सीधे आ जाएंगे इस वाले स्टेटमेंट पे, ठीक है। अगर वो ऑड हुआ तो वो दिखाएगा ये जो पर्सन जो आपने नंबर इंसर्ट किया है वो ऑड है और उसके बाद ये प्रिंट करेगा आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये हमसे एक नंबर मांग रहा है जो हमने किया है इसको प्रोग्राम बनाया है, तो हम इसको देते हैं सपोज 654, 654 एक नंबर दे दिया हमने, हमने इसको एंटर किया तो ये हमें बोल रहा है 654 इज इवन, वी नो दैट इज एन इवन नंबर, ठीक है, ये 654।
तो उसके बाद इसने एक और प्रिंट किया आफ्टर ए फेलस स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मतलब जो ये ऑड वाला पोर्शन है ये इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि ये इवन नंबर है। अब एक ऑड नंबर दे देते हैं, अब हम इसको ऑड नंबर देते हैं, सपोज 5, 6, 7 इज ऑड, ठीक है। तो 5, 6, 7 हमने दे दिया, हमने एंटर किया, तो ये दिखा रहा है हमें 5, 6, 7 इज ऑड आफ्टर ए फेलस स्टेटमेंट, यानी जब हमने इसमें ऑड नंबर दे दिया तब इसने क्या किया, ये जो ये इवन वाला पोर्शन था, ये इफ वाला पोर्शन, ये इफ वाला पोर्शन इसने इग्नोर कर दिया और ये सीधे अपने एल्स पोर्शन में आ गया। तो इफ एल्स एक ऐसा हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर हमें इफ ट्रू आता है तो इफ वाला पोर्शन जो है, इफ वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे वो एक लाइन हो, दो लाइन हो, यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन कोड लिख सकते हैं, हमें बड़े प्रोग्राम के लिए बहुत सारा कोड हो सकता है यहाँ पे। अगर हमें ये कंडीशन ही जो फॉल्स आ गई, अगर इसका वैल्यू फॉल्स आ गया तो उस टाइम पे क्या होगा, ये इफ सारा कंडीशन जो है, इफ सारा ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा और हमारा कंट्रोल जो है प्रोग्राम का सीधे एल्स पार्ट पे आ जाएगा और एल्स पार्ट में जो काम हम करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये इफ एल्स का एक सिंपल सा ऑप्शन है। हम एक और चीज भी कर सकते हैं, सपोज हमने कोई नंबर इंसर्ट किया, ठीक है, हम देखेंगे अगर वो नंबर ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, तो हम प्रिंट करेंगे कि वो ग्रेटर देन 100 है, ठीक है। अगर वो लेस नहीं तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वो नंबर जो है वो लेस देन 100 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी कंडीशन जो है अब चेंज हो गई। इससे पहले हमारी कंडीशन जो थी, हमारी कंडीशन थी कंपेयर कंडीशन, हम एक मॉड्यूलस कर रहे थे, लेकिन अब जो कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। इस बार जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि अगर हम एक नम इंटर कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन है, दिस इज ग्रेटर साइन, अगर वो ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, अगर ये ट्रू आया तो हमें देखा गया परसेंटेज जो आपने नंबर इंसर्ट किया वो 100 से ज्यादा है, नहीं तो अगर ये फॉल्स आया, यानी हमने 100 से कम दिया था, ठीक है, 100 से कम दिया था, तो हमें क्या आएगा, परसेंटेज लेस देन 100, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हम रन करके देखते हैं, हम देंगे पहले 400, तो इसने दिखाया 400 इज ग्रेटर देन 100 और इसके बाद आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट जो हमने लिखा था। हम फिर से इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, हम देते हैं इसको 99, ठीक है, हमने इसको 99 दिखाया, दे दिया, ये बोल रहा है हमें 99 इज लेस देन 100 आफ्टर इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, हम इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, हम इसको 100 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, हम इसको देते हैं 100 वैल्यू, तो ये हमें दिखा रहा है 100 इज लेस देन 100 आफ्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसने 100 को लेस देन 100 क्यों लिया लेस देन 100, यहाँ पर ये समझने की बात है। मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, सपोज मैं दे रहा हूँ 100, क्या 100 ग्रेटर देन 100 है, नहीं, 100 ग्रेटर देन 100 नहीं है, ये तो पता है, इज इक्वल टू 100 लेकिन ग्रेटर तो नहीं है। अगर ये ग्रेटर नहीं है, यानी कि ये कंडीशन जो इफ कंडीशन, ये फॉल्स हो गई। जब भी इस इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये क्या कहाँ पहुंच जाता है, ये कहाँ पहुंच जाता है हमें, एल्स के पास। तो ये एल्स के, तो इसने तभी दिखाया 100 इज लेस देन 100 ऑल दो 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, इफ नम ग्रेटर आर इक्वल टू 100, या अगर ये ग्रेटर या इक्वल टू 100 तो आप लिखाओ इज ग्रेटर या स्लैश इक्वल 100, ठीक है, हम ये एक ऑप्शन कर सकते हैं। सपोज अगर आप, मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, मैं 100 दे दूं, ठीक है, अब ये दिखा रहा है मुझे 100 ग्रेटर स्लैश इक्वल देन 100, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि ये हमें इशू क्यों आ रहा था, इससे पहले जब हमने इक्वल या अब हम जो हमने इक्वल नहीं लिखा था, इसलिए क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी, हमें यहाँ पे नम का वैल्यू था 100, तो ऐसा था इफ 100 ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन, तो 100 तो ग्रेटर 100 से बड़ा नहीं है, उसके बराबर है, तो बड़ा नहीं है, जब बड़ा नहीं है इसका मतलब ये फॉल्स आ गई ये कंडीशन, जब ये कंडीशन फॉल्स होती है हम एल्स पार्ट पे पहुंच जाते हैं, इस वजह से इस जो रिजल्ट है हमें आ गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल है ऑप्शन है इफ में,
वी हैव इफ के साथ हमें बहुत सारा काम करना है, इफ के साथ हमें और भी कुछ ट्विक्स करने हैं, इफ एल्स को हमें बहुत से अच्छे से समझना है, वी हैव इफ एल्स लैडर, वी हैव नेस्टेड इफ एल्स एंड वी हैव हियर अ कॉल्ड अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम। ठीक है, अक्सर लोग क्या हो जाते हैं वो इफ एल्स में ऐसे फंस जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता और इफ एल्स में उन्होंने बहुत सी बड़ी गलती की होती है और अक्सर उसे कभी कभी बड़े प्रोग्राम में वो महीनों या दिन या एक हफ्ता या महीने भी उस इफ एल्स वाली प्रॉब्लम को निकालने में होते हैं। तो ठीक है, तो कैसे उस इफ एल्स से हम बचे, डैंगलिंग इफ एल्स प्रॉब्लम से हम बचे, वो चीज भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये है कि बेसिक इफ एल्स जो है हमें किस काम आता है और यहाँ पर बस ये समझना है कि अगर ये कंडीशन मुझे ट्रू हुई तो इफ वाला पार्ट मुझे होगा एग्जीक्यूट, चाहे यहाँ पे कितने, यहाँ पे अभी एक ही मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे दो दस या और कुछ काम भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ एल्स पार्ट जो है अगर ये फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट जो है हमें एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं इन ब्लॉक्स में एक एक ही स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए, लेकिन जब जो हमारे प्रोग्राम बड़े हो जाते हैं हम यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं।